भूख से पावर बढ़ाने तक का काम आता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में है बड़े बड़े गुण। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पवित्र पीपल वृक्ष को अनंत काल से ही हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है, लेकिन पीपल वृक्ष धार्मिक मान्यता के अलावा औषधीय गुणों से भी भरपूर है तथा अनेक असहाय मानी जाने वाली बीमारियों का पीपल के उपयोग से अस्थायी उपचार किया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उगने वाले पीपल वृक्ष को औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है तथा इसके उपयोग से नपुंसकता, अस्थमा, गुर्दे, कब्ज, अतिसार तथा अनेक रक्त विकारों का सुगम घरेलू उपचार किया जा सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है, पीपल की पत्तियों, बीज, छाल, जड़े, तने, टहनियों में औषधीय गुणों का भंडार पाया जाता है। पीपल को प्राचीन भारतीय संस्कृति कला से ही औषधीय पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार पीपल के पौधे के औषधीय उपयोग से कई रोगों का सफल उपचार किया जा सकता है। खूनी दस्त, अतिसार, पीपल के कोमल तने, बीज, क्रिस्टल, चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका मिश्रण बना ले तथा दिन में इस मिश्रण को आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बार ले। इसके सेवन से खूनी अतिसार बंद हो जाएंगे। भूख कम लगना, पीपल के पके हुए फलों के उपयोग से भूख कम लगना, खांसी, पित्त, रक्त संबंधी विकार तथा उल्टी का स्थायी उपचार संभव है। पेट दर्द, पीपल के पौधे की 2 से 5 पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसे 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर मिश्रण बना ले तथा इस मिश्रण की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दिन में 3 से 4 बार सेवन करें, पेट दर्द में राहत मिलेगा। अस्थमा, पीपल की छाल तथा पके हुए फलों का अलग अलग पाउडर बनाकर उसे समान मात्रा में मिला ले। इस मिश्रण को दिन में 3 से 4 बार सेवन करें, अस्थमा रोग से मुक्ति मिलेगी। सांप काटने पर, जहरीले सांप के काटे जाने पर पीपल की कोमल पत्तियों के रस की 2-2 बूंदें ले तथा उसकी पत्तियों को चबाए, उससे सांप के विष का असर कम होगा। त्वचा रोग, पीपल की कोमल पत्तियों को चबाने से त्वचा की खरिश तथा अन्य रोगों का उपचार होता है। पीपल की पत्तियों की 40 मिलीलीटर चाय का सेवन भी अत्यंत प्रभावकारी साबित होता है। दांत खाद खुजली, 50 ग्राम पीपल की छाल की राख बनाकर इसमें नींबू तथा घी मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को प्रभावित अंगों पर लगाने से आपको तुरंत शीतलता प्राप्त होगी। पीपल की छाल की 40 मिलीमीटर चाय के प्रतिदिन सेवन से राहत मिलती है। फटी एड़ियां, फटी एड़ियों पर पीपल की पत्तियों का रस या उसका दूध लगाए, इससे इस समस्या में पूरा उपचार मिलेगा। रक्त की शुद्धता, 1 से 2 ग्राम पीपल के बीज को शहद में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार उपयोग से रक्त में शुद्धता आती है। नपुंसकता, पीपल के फल के पाउडर को 1/2 चम्मच दिन में दूध के साथ 3 बार लेने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है तथा शरीर बलवान बनता है। पीपल फल, जड़े, छाल तथा सुंगा को बराबर मात्रा में लेकर इसमें शहद मिलाकर खाने से बिस्तर में ताकत की बढ़ोतरी होती है। कब्ज, पीपल के 5 से 10 फल प्रतिदिन सेवन में कब्ज रोग अस्थायी रूप से समाधान होता है। लीवर के रोगों के लिए 3-4 ताजा पीपल की पत्तियों को क्रिस्टल चीनी में मिलाकर इसका पाउडर बना ले। इस पाउडर को 250 ग्राम पानी में मिलाकर मिश्रण को छान ले। इसे रोगी को 5 दिन तक दिन में 2 बार दे। यह मिश्रण पीलिया रोग में अत्यंत प्रभावकारी साबित होता है। हिचकी आने पर 50 से 100 ग्राम पीपल की छाल का चारकोल बनाकर इसे पानी से बुझा दे। इस पानी के सेवन से हिचकी आना बंद हो जाती है। आँखों में दर्द, पीपल की पत्तियों के दूध को आँखों पर लगाने से आँखों की पीड़ा कम होगी। दांत दर्द, पीपल तथा वट वृक्ष की छाल बराबर मात्रा में लेकर इसका मिश्रण बना ले। इस मिश्रण को गर्म पानी में उबाल कर इसे कुल्ला करने से दांत का दर्द समाप्त हो जाता है।